हाई एवरी वन, सो वेलकम टू माई चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। और आज की इस वीडियो में आपके लिए पैठानी सिल्क की साड़ी की ड्रेपिंग एक न्यू धोती स्टाइल में लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ साड़ी की डिटेल्स। तो साड़ी की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और प्रिंट्स और इनकी अगर शाइन की बात करें तो आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छी शाइन है, और प्रिंट्स भी बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ब्लाउज पीस को छोड़कर इसकी लेंथ मोर देन 5.5 मीटर है, तो आप इस साड़ी को ब्लाइंडली परचेज कर सकते हो। चलिए अब इस पैठानी आर्ट सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल नए स्टाइल में मराठी स्टाइल की ड्रेपिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो साड़ी की लेंथ है वो मोर देन 5.5 मीटर है, प्लस इसमें मेरी जो ब्लाउज वाली फैब्रिक है वो भी अटैच है, तो इससे लेंथ और भी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप जब सामने की तरफ नॉट बनाने के लिए फैब्रिक को सेट करते हो तो आप सेट ऐसे कीजिए कि आपकी कमर के पास बॉर्डर थोड़ी सी हाई रहे, और सामने की तरफ जो आप नॉट बनाते हो वो नॉट ऐसे सेट रहें कि बॉर्डर आपके कमर पे काफ़ी अच्छी दिखे। अब हम फैब्रिक को पीछे की तरफ घुमा कर ले जाएंगे। ओके, ये वाली जो मेरी साइड है ना, ये मेरी लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे मेरी ब्लाउज पीस अटैच है। तो पल्लू वाली ये फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ पर अब हम इनको प्लेट्स में सेट करेंगे, और सेट करने के बाद थोड़ा सा हम इनको अरेंज भी कर लेंगे। प्लेट्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज करनी है, क्योंकि अगर हल्की सी भी प्लेट्स इधर उधर हुई तो हमारी नेक्स्ट स्टेप बिगड़ सकती है। तो प्लेट्स बनाने के बाद अब हम अपने पैरों के ऊपर एक बार फिर से इनको घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो फैब्रिक को जब हम पीछे की तरफ टक करेंगे तो हमारी बची हुई जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की लेंथ है इसमें, ये हमारी ऊपर होनी चाहिए। और अब इसकी एक कॉर्नर को पकड़ेंगे हम, और यहाँ पे हम प्लेट्स में इनको अरेंज करेंगे, और कमर पे अच्छी तरीके से इनको सेट करते हुए हम ठीक अपनी नॉट वाली एरिया पे इनको टक कर देंगे। तो हमारी जो लेफ्ट लेग वाली ड्रेपिंग है वो बिल्कुल कम्प्लीट है। अब हम राइट लेग के पास वाली फैब्रिक को ड्रेप करेंगे, तो इनको भी एक बार हम घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे, और फिर प्लेट्स सेट करके हम एक बार फिर से इनको अपने पैरों पे राउंड करेंगे। इसके बाद जो हमारी पल्लू वाली फैब्रिक है हम इसको अपने शोल्डर पे रख लेंगे, अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे उल्टा पल्लू लेते हुए, और फिर हम अपनी राइट कमर के पास की फैब्रिक को लूज करके दो से तीन प्लेट्स बनाकर इनको पीछे की तरफ टक कर देंगे। अब हम पल्लू के सारे प्लेट्स को खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीधे तरीके से प्लेट्स नहीं आने वाली है, ये प्लेट्स बिल्कुल जिगजैग तरीके से आएंगी। तो हम इनको अपने हाथों पे ऐसे फैलाकर और वन बाय वन फैब्रिक को टाइट करते हुए सारे प्लेट्स को अरेंज करेंगे। जब प्लेट्स अरेंज हो जाती है तो फिर हम उल्टा पल्लू लेते हुए अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पर इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। सो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये जो स्टाइल है वो आपकी पैठानी सिल्क साड़ी के साथ ही अट्रैक्टिव लगेगी। अगर आप दूसरी सिल्क भी इस्तेमाल करते हो तो आप ड्रेप तो कर लोगे, बट ये उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी जितनी इसमें लगेगी। तो लुक एनहेंस करने के लिए मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि आप वेस्ट चेन का इस्तेमाल कीजिए इस लुक के साथ। तो मैं अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।